नमस्कार, मैं हूँ शालिनी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है? भारत की न्यायपालिका। देखिए बच्चों, हमारे देश में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशरी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है? लॉज बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो जुडिशरी है वो क्या देती है? जस्टिस देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी का झगड़ा हुआ तो वो न्याय के लिए कहाँ पर जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेसन में जुडिशरी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, एंड उसके बाद लोअर कोर्ट्स, जिसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तालुका कोर्ट्स एंड रिवेन्यू कोर्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? सबसे अपर आती है। मतलब जैसे कोई केस अगर लोअर कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट्स में। और अगर यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? देखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और देखिए, ये जो जजेस हैं या फिर चीफ जस्टिस है, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस। और देखिए, जजेस में जो सबसे सीनियर जज होगा उसको क्या चुना जाएगा? चीफ जस्टिस। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई जज 50 इयर्स का है, फिर एक है 40 इयर्स का और एक है 30 इयर्स का, तो उनमें से किसको चीफ जस्टिस चुना जाएगा? जो 50 इयर्स के हैं उनको चीफ जस्टिस चुना जाएगा। ठीक है, अब ये जो जजेस हैं ये अपना काम बिना दबाव के कर सके, फियरलेसली, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं। तो चलिए हम उन प्रोविजंस को पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें नंबर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स किया है। मतलब ये बताया है कि कौन जज बन सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज वही बन सकता है जिसके पास लीगल एक्सपीरियंस हो, या तो वो हाई कोर्ट में पहले जज हो या फिर एडवोकेट हो। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर 2 क्या है? जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा था ना, तो वही है। फिर नंबर 3 क्या है? जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स, वाइल फॉर द हाई कोर्ट इट इज 62 ईयर्स। देखिए, जो जजेस होते हैं वो क्या एंजॉय करते हैं? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब इनको उनके समय से पहले कोई भी इनके पद से नहीं हटा सकता। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण इनको इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रीज़न चाहिए। ठीक है, अभी इनका रिटायरमेंट एज क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज है 65 इयर्स और हाई कोर्ट का है 62 इयर्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, द सैलरीज ऑफ जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो डिस्कशन टेक्स प्लेस इन पार्लियामेंट। देखिए, जजेस की सैलरी को लेकर के पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं होते हैं। इनकी सैलरी कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर 5 है, पर्सनल क्रिटिसिजम्स कैन नॉट बी मेड ऑन जजेस फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जजेस की व्यक्तिगत तौर पर उनके डिसीजन के बारे में कोई भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता, और अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो फिर ये क्या है? ये एक अपराध है जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। फिर यहाँ पर नंबर 6 है, द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द डिसीजंस ऑफ द जजेस। और पार्लियामेंट जजेस के डिसीजन को लेकर के कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकता। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म।
तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि ट्रेडिशनली द कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट्स व्हेनेवर दे आर अप्रोच फॉर दैट पर्पस। देखिए पहले क्या होता था, जो कोर्ट थे वो उसी डिस्प्यूट को सॉल्व करते थे जो डिस्प्यूट उनके पास आते थे, लेकिन कुछ डिकेट्स में क्या हुआ है, ये जो इमेज है कोर्ट का वो चेंज हो गया है और जो कोर्ट है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं जस्टिस एंड इक्वलिटी, इनको फुलफिल करने के लिए ये जो कोर्ट है वो ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या है कि द कोर्ट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस इन सोसाइटी, वुमेन, ट्राइबल वर्कर्स, फार्मर्स एंड चिल्ड्रेन। अब जो कोर्ट है वो क्या ट्राई करती है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जैसे कि वीमेन, ट्राइबल वर्कर्स, फार्मर्स एंड चिल्ड्रेन, इनको लीगल प्रोटेक्शन देने के बारे में ट्राई करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, मतलब उनके काम क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करती है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मे ऑल्सो गिव ऑर्डर्स टू रेलिवेंट अथॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर देती है, किसको, रेलिवेंट अथॉरिटीज को। फिर यहाँ पर नंबर थ्री है, टू रिव्यू डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स एंड ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है, जो लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस है या फिर उसके खुद के डिसीजंस है उनको रिव्यू करती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, इन केस द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी एडवाइस। देखिए अगर प्रेसिडेंट किसी भी मैटर के बारे में उनसे कुछ पूछते हैं, उनकी कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उनको सही एडवाइस देती है, मतलब वो जो भी पूछते हैं उसके बारे में उनको जानकारी देती है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू। तो ये क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लॉ पास नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हो, और अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, तब वहाँ पर जो लॉ या फिर एक्ट होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, यहाँ पे प्रोविजंस देखे, फिर हमने यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म देखा, फिर हमने फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखा, और फिर हमने लास्ट में क्या देखा, जुडिशियल रिव्यू देखा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स। तो देखिए बच्चों, हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पर होते हैं, ठीक है, और इंडिया में अभी 24 हाई कोर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, करेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और देयर इज अ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ अदर जजेस इन द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ अदर जजेस भी होते हैं। ठीक है, और ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और हाई कोर्ट में भी जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए इसमें क्या है, टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगी, लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करेगी और उनको कंट्रोल करेगी।
लेकिन बस उन्हीं कोर्स को जो उसके ज्यूरिडिक्शन में आते होंगे। फॉर एग्जांपल जो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट है वो किसके ऊपर कंट्रोल करेगी, जो महाराष्ट्र में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्स आते होंगे बस उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कंट्रोल करे, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर देना, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए गवर्नर हाई कोर्ट से सलाह लेते हैं कब, जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए जजेस को अपॉइंट कर रहे होते हैं तब, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स। तो देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। दीज आर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और ज़्यादातर लोग यहीं पर जाते हैं, इसी कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर मेन टू ब्रांचेस हैं, फर्स्ट है सिविल लॉ और दूसरा है क्रिमिनल लॉ। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, सिविल लॉ। दिस लॉ डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट्स विच अफेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन, मतलब जो लोगों के अधिकारों को अफेक्ट करता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी, फिर रेंट एग्रीमेंट एंड डाइवोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकेंड है क्रिमिनल लॉ। तो इस लॉ में क्या होता है, देखिए सीरियस क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी मतलब डकैती, डावरी मतलब दहेज के लिए किसी को परेशान किया जाता है, ठीक है। फिर मर्डर मतलब किसी की हत्या कर देना। तो वो सभी ये जो क्राइम है ये किस में आते हैं, क्रिमिनल लॉ में आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, FIR दर्ज करना पुलिस के पास, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर ये जो केस है वो कहाँ पर जाता है, कोर्ट में जाता है, और फिर कोर्ट उस पर फैसला लेती है, ठीक है। बच्चों हमने हाई कोर्ट पढ़ा, फिर हमने फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट पढ़ा, और डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, फिर हमने ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी कोर्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।